हेलो गाइस, मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस कराने जा रही हूँ फुल मार्क्स से, जो कि आपको बहुत इजी होगा समझने के लिए। बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं समझने में कि पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ा जाए। तो देखते हैं, इसमें हम आपको बहुत इजी तरीके से सब कुछ समझाएंगे और आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो ये पार्ट फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो सबसे पहले हम फैक्ट्स पढ़ेंगे जो मैटर करते हैं इस चैप्टर में। तो वो है, सबसे पहले, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ लॉज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट विच कॉम्प्रोमाइजेस अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन सॉर्ट ऑफ लॉज है, सेट ऑफ लॉज है, जिसमें कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, रिलेशनशिप दे रखा है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो पीपल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे डेवलप किया जाए। तो हर एक चीज़ हमारी, एक रूल्स, रेगुलेशंस, फंडामेंटल लॉज, राइट्स, ड्यूटीज, सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि क्या है। सबसे पहली बात, हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि क्या है, कि वो एक रिटन सेट ऑफ लॉज है और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो कि डेवलप करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल्स एंड द गवर्नमेंट विच कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स नंबर और अबाउट द स्टेट्स। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उसमें, शेड्यूल्स दिए हुए हैं। तो अब सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ती है। तो टू प्रोवाइड द सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहली बात, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है कि वो एक बेसिक रूल बना सके जो कि एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन हमारे मेंबर्स को प्रोवाइड कर सके जो सोसाइटी में है। वरना अगर आप देखें तो इंडिया एक एक डाइवर्स स्टेट है, एक डाइवर्स कंट्री है, जिससे क्या हो रहा है, इतनी डाइवर्सिटी है तो एक रूल रेगुलेशन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब डाइवर्सिटी है तो हाँ ये तो होएगा ही कि भाई लड़ाई झगड़ा होने लग जाते हैं। डाइवर्सिटी है तो कोई कोई अपने रिलीजन को लेके, कोई दूसरा अपने रिलीजन को लेके, इसमें लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। तो इसीलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत ज़रूरी था कि हमारा एक अपना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी, क्या चीज़ें कैसे बनी, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है कि वो एक सेट ऑफ बेसिक रूल देता है, प्रोवाइड करता है हमारे मेंबर ऑफ सोसाइटी को। ये पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। और दूसरा फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि वो स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, हमारे गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और पावर किसके पास होगी कि वो सोसाइटी में डिसीजन ले। टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु हैज द पावर टू मेक अ डिसीजन इन द सोसाइटी। तो ये दो फंक्शन गवर्नमेंट के हो गए, और कॉन्स्टिट्यूशन के। और थर्ड इसका फंक्शन होगा कि टू ले सम लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट्स पावर, गवर्नमेंट्स पावर पे। अब गवर्नमेंट पावर को हम इतनी सारी पावर तो दे नहीं सकते हैं कि अगर उसके पास सारी पावर है, हमारे पास कोई राइट नहीं है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटर्स बन जाएगी, वो डिक्टेटर करने लग जाएगी, वो बहुत तानाशाही हो जाएगी। तो वो हमें बोलता है कि इसका तीसरा फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारी गवर्नमेंट पे कुछ लिमिटेशन लगाता है और गारंट करता है उसकी। अब लिमिटेशन कैसे लगेगी, सिटीजन को कुछ राइट्स ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें गवर्नमेंट दबा नहीं सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की पावर पे कुछ लिमिटेशन लग जाती है। तो फोर्थ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन ये हो जाएगा कि ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि वो फुलफिल करे एस्पिरेशन और सोसाइटी की जो एस्पिरेशन है, और हमारी सोसाइटी में जस्ट प्रोवाइड करे, इक्वालिटी प्रोवाइड करे कि बेसिस और जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, इस पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फोर्थ इसका है कि वो इनेबल करती है गवर्नमेंट को कि उसकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करे और सोसाइटी में एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करें कि जो जस्ट सोसाइटी कहला सके, ठीक है। और इसका हो जाएगा फिफ्थ इसका कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा फंक्शन है कि वो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है पीपल को। हम देखते हैं कि हमारे इंडिया है ना, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल जो आइडेंटिटी है पीपल की, वो सिंगल सिटीजनशिप में दे रखी है कि हम इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया एक कंट्री है और जिसके अंदर जिसके 28 स्टेट्स हैं। तो जैसे कि अमेरिका में देख लीजिए आप, अमेरिका में हमें दे रखा है कि हमारा आइडेंटिटी है कि हम अमेरिकन हैं, और ऊपर से उसमें जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसकी भी आइडेंटिटी है, यानी ड्यूअल सिटीजनशिप है वहां पे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में कि हम इंडियंस हैं,
हम ये जानते हैं कि हम इंडियंस हैं और ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आपको तीसरा बताती हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा फ्रेम्ड किया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा फ्रेम किया गया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है, और ये भी है कि 1946 में फ्रेम किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान से हमें ये किया गया था, ये असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूंट हुई थी। तो फोर्थ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंट 2 years 11 months and 18 days टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे, और टू अडॉप्ट ऑन November 26 and 1949। हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था उसे 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था, और 1949 को ये 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, और इन्फोर्स इसको किया गया 26 जनवरी 1950 में। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे लगा कि ये वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है और इसमें शेकिंग हो रही थी, इसलिए मैंने अब इसको अच्छे से लगा दिया है, शायद अब आपके लिए ठीक रहेगा। तो जैसा कि आपको पता चला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, और इसको अडॉप्ट किया गया था 26 1949 में। अडॉप्ट यानी कि हमने मान लिया था, चलो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो हमने बोला कि लोगों ने बातचीत की, हमने बोला ठीक है चलो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, चलो बनाना शुरू कर देते हैं। तो बनाते बनाते हमने इसे इन्फोर्स में कब लाया, जब वो बन गया ना, तो मतलब बन गया था उस टाइम, और उसको सबने अडॉप्ट कर लिया कि ठीक है चलो बन गया और यही हमारा अब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। तो इसको लागू यानी इन्फोर्स कब किया गया, इसको इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तभी तो हम मनाते हैं ना 26 जनवरी। तो इस दिन ना ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए कि इस दिन हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ था यानी लागू हुआ था, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ टू बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल द सिटीजन एज वेल एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ है, यानी सबसे बड़ा लॉ है, उसको सब रिस्पेक्ट करेंगे, और ये सबने एक्सेप्ट भी किया है और सबने रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली हुई है। और तो ये पता चला, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी एज अ फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसे फेडरल फॉर्म में बनाया गया है, फेडरल फॉर्म में, बट वो फेडरल फॉर्म ऑफ है, हमारी गवर्नमेंट भी फेडरल फॉर्म ऑफ है, बट ना कुछ चीज़ों के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, बट कुछ चीज़ों की वो रिजिडिटी शो करता है। इन दोनों का यहाँ पे ये मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिडिटी भी है। कुछ ऐसे अमेंडमेंट करने पड़ते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत इजीली हो जाते हैं और बहुत आराम से हो जाते हैं, तो वो उन्हें फ्लेक्सिबल होते हैं, वो उन्हें जल्दी कर लिया जाता है। पर कुछ अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े हार्ड है, तो वो रिजिड है, तो उनकी रिजिडिटी यहाँ पे शो की गई है कि वो रिजिड होते हैं। इसीलिए हमारा रिजिडिटी भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लैंड है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी से। और हमारी गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म तो है बट वो यूनिटरी भी है। इसका मतलब यहाँ ये है कि हमारी गवर्नमेंट फेडरल है, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, दो जगह पे पावर डिवाइडेड है, बट यूनियन लेवल को यहाँ स्ट्रांग बनाया गया है, वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। बट इसे यूनिटरी में स्पिरिट बना रखा है, यानी कि यूनिटरी में स्पिरिट बनाने का मतलब ये है कि जैसे कि इसका मतलब ये है कि जैसे हमने स्टेट को ना रिलीजन की तो उस रिलीजन की जगह पे हमने उसे फ्री कर रखा है कि रिलीजन का कोई भी मैटर होगा वो स्टेट खुद सॉल्व कर लेगी अगर उनके स्टेट का कोई मैटर है तो। बट हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर कुछ ज़्यादा कंडीशन बुरी हो गई तो हमारा जो यूनियन है ना वो इंटरफेयर करेगा उसमें, क्योंकि अगर बहुत गंदी कंडीशन हो जा रही है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जा रहे हैं रिलीजन के बेस पे, तो उस पे यूनियन सॉल्व करता है, इंटरप्रेट करता है और सॉल्व करता है जो भी सिचुएशन है। तो इसीलिए इसे ना बोला गया कि ये यूनिटरी भी है स्पिरिट में, यानी कि वो ऐसी नहीं है कि एकदम छोड़ देगी, जो भी हो रहा है होने देगी, है तो भाई हमारी कंट्री तो हमें ध्यान देना होगा, इसीलिए यूनिटरी बनाया गया स्पिरिट में। मेन फेडरल फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि सबसे पहली बात जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर, जैसे मैंने आपको बताया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर पे, और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय कैमरल लेजिस्लेचर वो कहा जाता है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर यानी बाय मतलब दो, तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। हाँ, तो ये एग्जिस्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हमारे इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिट करता है, यानी कि हमारे दो गवर्नमेंट, अरे बाय कैमरल लेजिस्लेचर में ये बताया गया है कि जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दो फॉर्म ऑफ हाउसेज हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, कि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, जो और सुप्रीमेसी यहाँ जुडिशरी की है। जुडिशरी भाई मतलब जजेस वगैरह, जुडिशरी जो होती है वो उनको एक अलग से बनाई गई है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, ताकि इनमें ये अपने जो फैसले ले रहे हैं वो बिना विदाउट फियर और फेवर ले सके, ठीक है। इसीलिए द फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजन एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द नेशन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। और जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे ना, उन लोगों ने सोचा कि प्रोविजंस हमें लेने हैं, तो लेने हैं, फिर समझ नहीं आता कहाँ कहाँ से ले, तो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में देखे कि हमारा अलग अलग कंट्रीज से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग प्रोविजंस बोरो किए, जो जो इन्हें इंडियन सुटेबिलिटी, इंडियन जो कंट्री है, अब ये एक वास्ट कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनकी सुटेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग प्रोविजंस लिए, तो इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि लिए थे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा भी लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 में लिया गया था, ठीक है। तो हमारे जो मैंने आपको जो चैप्टर समझाया अभी तक वो उतना ही है, उसमें फर्स्ट चैप्टर में उतना सब कुछ कुछ भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन आंसर देख लेने, वैसे भी पेपर तो आ गया, तो फिर पेपर आ गया तो बस ये समझ लीजिए, क्वेश्चन वगैरह देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा अभी तक। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का रिटन डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री का हमारे रिटन डॉक्यूमेंट है, जो प्रिस्क्राइब करता है टू बी अ सुप्रीम लॉ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का, ठीक है। ये डिसाइड करता है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इन्हें याद भी कर सकते हैं, ये एग्जाम्स में आएंगे जरूर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कंट्री का ये रिटन डॉक्यूमेंट है, जो प्रिस्क्राइब करता है सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री और टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर कैसा होगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, अलॉन्ग विद द राइट ऑफ अ ड्यूटीज, और लोगों की राइट्स क्या होंगे, और राइट्स के साथ अगर राइट दे रहे हैं तो ड्यूटीज भी होनी चाहिए सिटीजन्स की कुछ, और कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स हु वुड बी प्ले अ वाइटल रोल इन द डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर में वाइटल रोल किसका होगा, कौन प्ले करेगा, कौन यहाँ पे डिसीजन मेकर कौन बनेगा, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बोला कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बात एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो प्रिस्क्राइब करता है सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, वो सुप्रीम लॉ है हमारे कंट्री का, वो डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा और राइट्स क्या मिलेंगे, राइट्स क्या होंगे लोगों के, और ड्यूटीज क्या होंगी सिटीजन्स की। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक करता है कि वाइटल रोल कौन प्ले करेगा हमारे डिसीजन मेकिंग पावर में। तो ये हमारा अगर आ गया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ये लिख देंगे इनफ है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है। सबसे पहली बात, वो एक हमारा सुप्रीम लॉ है कंट्री का। दूसरा कि वो मेंटेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट और जो सिटीजन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे गवर्नमेंट है और जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में अगर कोई बॉन्ड नहीं रहा, कोई रिलेशनशिप नहीं रहा अच्छे से, तो हमारी गवर्नमेंट चलेगी कैसे। सबसे पहले जरूरी होता है कि हम मेंटेन करें एक रिलेशनशिप जो कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में होना चाहिए। तो ये मेंटेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। और थर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर बताता है कैसी होगी, और ये टेल करता है हु वुड बी प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग पावर, और ये बताता है कि कौन प्ले करेगा इम्पॉर्टेंट रोल डिसीजन मेकिंग पावर में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अब दे रखा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन
एज पर द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहली बात, जो आपका इंडियन जो प्रियम्बल है ना, पता है क्या होता है, वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है. जैसे कि आप कोई चैप्टर लिखते हैं, आप कोई चैप्टर लिखने वाले हो, तो उससे पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, उस इंट्रोडक्शन में पूरा आपके चैप्टर का एक आपको ब्रीफ में दे रखा होता है इंट्रोडक्शन, कि क्या है इस चैप्टर में. तो उसी तरीके से हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये प्रियम्बल है, वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो हमारे बताता है कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कैसे बन रहा है, उसके मतलब ओवरऑल बता देता है कि हमारा उसमें क्या क्या है. तो जैसे कि इसमें पूछा गया है कि कैसा नेचर है इंडियन प्रियम्बल का, जो इंडियन प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल है, उसका नेचर कैसा है. तो सबसे पहली बात, वो सॉवरेन है, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो इंटरडिपेंडेंट बॉडी है एक. सबसे पहली बात, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सॉवरेन है और सेकुलर है. सेकुलर का मतलब ये होता है कि उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, वो सारे रिलीजन को सेम रिस्पेक्ट करता है, तो उसका अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, इसका मतलब वो सेकुलर है. सोशलिस्ट है, यानी कि सबको जो सोशलिस्ट जो आपको सेम लोग सब लोगों को सेम. सोशलिस्ट का मतलब है कि जैसे कि अब जैसे इकोनॉमिक वगैरह में आ गया कि इकोनॉमिक फैसिलिटीज सबको इक्वल मिलनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए, ये सब सोशल वेलफेयर वो सबके लिए सेम करेंगे, कोई उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए अलग सा करें और किसी के लिए अलग, कोई जैसे कि जेंडर या कास्ट के बेस पे. और डेमोक्रेटिक है, ठीक है, रिपब्लिक है, ये जो हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखे हैं, आपको प्रियम्बल दे रखा है कि हमारा प्रियम्बल आखिर है कैसा, उसका नेचर कैसा है, वो दे रखा है आपको. फिर लास्ट में दे रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रहा है कि मेंशन करो कुछ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के, सेट सम लिमिट्स ऑन आवर गवर्नमेंट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी गवर्नमेंट पे क्या लिमिटेशन लगा रहा है वो प्रोवाइड यहाँ पे आपको लिखना है. एंड द अदर हैंड इन द फेवर ऑफ द सिटीजन, और दूसरे इस तरफ आपको सिटीजन के फेवर में बताना है. तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट इज सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात तो लिमिटेशन लगाता है गवर्नमेंट की पावर पे, कि जो भी वो अपने सिटीजन के ऊपर इम्पोज कर रही है, ठीक है, तो उसको वो कुछ भी इम्पोज नहीं कर सकता है. कि अब जैसे कि हमें बोला है कि हमें हमारे पास फ्रीडम है, तो फ्रीडम का मतलब क्या है, इन द सेंस कि फ्रीडम ऐसी फ्रीडम नहीं कि वो किसी को भी जाके कुछ भी कर दे, फ्रीडम वो कि जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए. दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट अ गवर्नमेंट नेवर ट्रेसपास देम, और ये जो लिमिट्स हैं वो फंडामेंटल सेंस में है, जिन्हें गवर्नमेंट कभी दबा नहीं सकती है, ठीक है. नेक्स्ट है कि व्हाई इज द नीड ऑफ द इम्पोर्ट व्हाई इज द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज द नीड ऑफ द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की और इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच अ गवर्नमेंट हैज टू वर्क. सबसे पहली बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें गवर्नमेंट को काम करना है. आउट ऑफ लिमिट गवर्नमेंट नहीं जा सकती है, तो उसको गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है, एक फ्रेमवर्क दे रखा है गवर्नमेंट को जिसमें गवर्नमेंट को काम करना है. ये मिनिमाइज करता है चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं उनकी उनको थोड़ा कम करने की कोशिश करता है. अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एज अ क्लियरली डिफाइन इज द पावर इन द फंक्शन ऑफ अ सेपरेटली. जैसे कि आपको बता ही रखा है कि हमारी गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की. जैसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड होती है, और उसकी गवर्नमेंट्स की बहुत सारे पिलर्स भी बना रखे हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें कि पावर डिवाइडेड है. तो पावर डिवाइड है तो ये क्या करता है, अब इतने सारे अलग अलग ऑर्गन्स बन गए हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें वो क्या करता है, उसमें लड़ाई होने की चांसेस होते हैं डिस्प्यूट्स के, तो उसको मिनिमाइज करता है, कम करने की कोशिश करता है. और जो कि आपको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है, जो पावर है फंक्शन है सेपरेटली आपको डिफाइन किया गया है अलग से, मैं आपको बाद में बताऊंगी. इट ऑल्सो कंट्रोल्स अ मिसयूज ऑफ अ पावर बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करता है कि वो पावर का मिसयूज ना करें, ठीक है. हमारी गवर्नमेंट डिक्टेटर नहीं बननी चाहिए, वरना हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर वो हमारी राइट्स कहाँ जाएंगे. और ये सेफगार्ड करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, हमें जो राइट्स मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो सेफगार्ड उसका कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है. सेफगार्ड है हमारी राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का कौन है सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन है. और व्हाट डू यू मीन बाय अ डेमोक्रेटिक विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ रेफरेंस टू इंडिया. तो डेमोक्रेटिक का स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया बताना है. डेमोक्रेटिक डिनोट्स द चूज अ डेमोक्रेसी एज द वे ऑफ लाइन एंड रूल एडमिनिस्ट्रेशन. डेमोक्रेटिक जो है वो डिनोट करता है कि जो डेमोक्रेसी है एज अ वे ऑफ लाइफ, कि वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन करेंगे. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और फ्री एंड फेयर जुडिशरी. फ्री एंड फेयर जुडिशरी इसलिए बोला गया है क्योंकि जो जुडिशरी में जो जजेस होते हैं वो अपना काम फ्री और फेयर तरीके से कर सकें, किसी के दबाव में ना आए वो या डर उन्हें ना होना चाहिए
चाहिए और वो फेयर तरीके से काम करें। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और ज्यूडिशरी है, ठीक है। जो आपका लेजिस्लेचर है वो आप वो करता है, लॉज बनाता है, फ्रेम करने का वर्क है लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूट करता है यानी कि इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, और ज्यूडिशरी जो है उस पर ध्यान देता है कि कहीं ये लॉज को ये एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट और या फिर इनका जैसा नहीं कि कोई लॉज बना दी गया एग्जीक्यूट हो गया बट उसको कोई ओबे नहीं कर रहा हो, कोई फॉलो नहीं कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ें ज्यूडिशरी देखता है। ज्यूडिशरी में हमारे जजेस आते हैं और डेमोक्रेटिक वर्ड इन अ प्रियम्बल रेफर्स टू द सोशल एंड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एक्सेप्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमारा जो डेमोक्रेटिक वर्ड है प्रियम्बल में दिया गया है कि हमारा जैसे प्रियम्बल में इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्रियम्बल, तो उसमें दिया गया है कि डेमोक्रेटिक ये जो है तो इसमें प्रियम्बल रेफर कर रहा है कि सोशल इकोनॉमिक और डेमोक्रेसी एक्सेप्ट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसमें बोला है कि जो डेमोक्रेटिक वर्ड है ना प्रियम्बल में वो रेफर करता है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, पर एक्सेप्ट किसके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के, ठीक है। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि जो वीडियो है बहुत लंबा हो गया, पूरे 20 मिनट्स का हो चुका है ये। तो यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि व्हाट डू द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक जस्टिस स्टैंड फॉर। पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, तो पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो स्टैंड करता है और रेफर करता है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू बी एंजॉयड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री वेयर द एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव विल as well as the rights to be elected as a representative। political justice वो justice होती है जिसमें सबको chances है कि वो vote करे, ठीक है। जैसे कि हमारा voting age दे रखा है कि 18 years above के लोग eligible होते हैं voting करने के लिए, तो जो political justice है वो political justice refers करता है कि equal political right है सबके पास कि वो enjoy कर सके, citizens जो हमारे country के हैं कि वो कहीं कोई भी citizen कहीं भी जैसे कि right है उनके पास कि वो elect कर सकता है representative को, और उनके पास ये भी right है कि वो खुद भी representative की जैसे elect किए जा सकते हैं। ये आपका पॉलिटिकल जस्टिस है। और इकोनॉमिक जस्टिस हो जाएगा कि ये रेफर करता है कि एवरी सिटीजन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है अर्न करने के लिए अ लाइवलीहुड एज वेल एज इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क यानी कि आपका काम अलग है, आपका काम अलग है, आप पैसे को दोनों को सेम मिले, ऐसा नहीं है कि इक्वल वर्क के लिए ही इक्वल पैसे दिए जाने चाहिए। तो इक्वल जस्टिस ये है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलते हैं, और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा जो आपको नेक्स्ट चाहिए।